पुराने जमाने के नए महाराजा के स्वागत के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग, पूर्व मंत्री का बयान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय ग्वालियर चंबल दौरे के स्वागत को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिंधिया के स्वागत में भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछाते हुए जो स्वागत करने को सावंतवादी सोच बताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुराने जमाने का नया महाराजा बताते हुए कहा कि भाजपा ने उनके स्वागत के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, वो गलत है। आम जनता जहां बाढ़ से परेशान थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को भोजन नहीं। और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा के ऐसे कार्यक्रम की वो आलोचना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पुराने जमाने का एक नया महाराजा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी राजा महाराजाओं की पोषक है और इसलिए उनके स्वागत करने में अपना बड़प्पन मान रही है। सिंधिया के लिए पूरे पलक पावड़े बिछाने के ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अगवानी कर रहे हैं। जो सामंतवादी परंपरा थी वर्षों पहले, वही परंपरा भारतीय जनता पार्टी पुनः देश और प्रदेश में लाना चाहती है। मैं इस प्रचार प्रसार और शासकीय धन का दुरुपयोग करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री की निंदा करता हूं और चेतावनी देता हूं कि जनता की गाड़ी कमाई का इस तरह बर्बादी नहीं करें। कर्मचारियों को बांटने के लिए वेतन को पैसे नहीं, टूटी सड़कों को मरम्मत के लिए आपके पास धन नहीं, मकान बाढ़ में बर्बाद हो गए उनके रहने के लिए आवास नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। लेकिन एक महाराजा जो आज के युग में इस प्रकार महिमा मंत्र करना उचित नहीं है, इस बात की मैं आलोचना करता हूँ।